5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। इसमें क्या मांग थी कि सॉल्ट मार्च का डिसकंटिन्यूएशन हो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट करे सेकेंड राउंड टेबल ऑफ कॉन्फ्रेंस में। जितने भी ऑर्डिनेंस इशू किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस पे, उसे विदड्रॉ किया जाए। एंड जितने भी पॉलिटिकल ऑफेंसेस रिलेटेड जो कि रॉलेट एक्ट में थे, जो भी प्रोसिक्यूट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर, उसे विदड्रॉ किया जाए, बस उन्हें छोड़ के जो कि एक्चुअल में वायलेंस से रिलेटेड थे। जो भी प्रिजनर्स थे अरेस्ट किए गए थे जो कि सॉल्ट मार्च में पार्टिसिपेट किए थे, उन्हें रिलीज़ किया जाए। सॉल्ट पे जो टैक्स था उसे रिमूव किया जाए ताकि इंडियंस लीगली सॉल्ट का ट्रेड कर सकें और उसे अपने प्राइवेट यूज़ के लिए मैन्युफैक्चर कर सकें। तो इस पैक्ट से क्या क्या मिल गया था, तो जितने भी ऑर्डिनेंसेस थे उन्हें हटा दिया गया और प्रोसिक्यूशंस को एंड कर दिया गया। जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उन्हें रिलीज़ किया गया, बस उनके सिवाय जो कि एक्चुअल में वायलेंस के लिए गिल्टी थे। पीसफुल धरना दे सकें वो लिकर के लिए और फॉरेन क्लॉथ शॉप्स के सामने, इसके लिए भी परमिशन उन्हें मिल गई। जितनी भी जब्त प्रॉपर्टीज थी सत्याग्रहीज की, उन्हें रीस्टोर किया गया, उन्हें वापस दे दिया गया। और जो भी इंसान, जो भी लोग सी कोस्ट के पास रहते थे, वो फ्री में कलेक्ट कर सकें सॉल्ट को और उसका मैन्युफैक्चर कर सकें, इसके लिए परमिशन मिल गई। और जितना भी कांग्रेस के ऊपर बैन था उसे हटा दिया गया।